जिले के नेपानगर के बाकड़ी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों और वन विभाग की जमीन को लेकर वर्षों से अतिक्रमण पर विवाद पनपता रहता है। स्थानीय ग्रामवासियों के अनुसार बाहरी अतिक्रमणकारी इस क्षेत्र में जंगल में अतिक्रमण कर रहे हैं, जबकि अतिक्रमणकारियों का कहना है कि यह हमारे पुरखों की जमीन है। दूसरी ओर देखने में यह आया है कि यहाँ शासन के आदेश के बाद भी कई आदिवासियों के पट्टे नहीं बनाए गए। इस मामले को जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों के ग्रामीणों से बात की, जंगल में अतिक्रमणकारियों को समझाइश दी, जिसका परिणाम यह निकला कि विवादित क्षेत्र के अतिक्रमणकारियों द्वारा समर्पण करते हुए प्रतीकात्मक रूप से अपने तीर कमान गोफन पुलिस के समक्ष प्रस्तुत कर भविष्य में किसी भी तरह से कानून अपने हाथ में ना लेने का वचन दिया गया। साथ ही भविष्य में अपनी किसी भी प्रकार की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष विधिवत तरीके से रखने पर सहमति जताई गई। जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस विषय को आसानी से हल करने जो पहल की गई उसके लिए जिले में पुलिस की प्रशंसा हो रही है। बिल्कुल भी नहीं, मैं ये जानता हूं कि ये जितने भी लोग हैं ये 100% तो नक्सल तो नहीं है। ये लोगों के कुछ इश्यूज है कि 1989 के आसपास इनके पूर्वजों ने कोई जमीन थी, फॉरेस्ट वालों ने खाली कराई, इनको लगता है कि 2005 के नियम के हिसाब से हमें जमीन मिलनी चाहिए और वन विभाग को लगता है कि नहीं मिलनी चाहिए। बराबर है कि नहीं? ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, सबके सामने बोला था। ये इनका एक इशू है, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि ये इशू के बारे में ज्यादा डिस्कस करूं। जो भी आपका इशू है आप अपने पेपर दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो, सारी चीजें दे दो, वो चलता रहेगा। मगर गलती इनसे एक छोटी सी ये हुई कि जब भी कोई आता है एक इनके अंदर इंस्टिंक्ट है कि आए, अरे हम मुझे मारने के लिए आए, तो अपने सेल्फ डिफेंस में इन्होंने पत्थर फेंक दिए। उसके बाद जब भी हम लोग कोई पत्थर फेंके तो मुकदमा कायम होगा, तो पुलिस इन्वॉल्व होगी, पुलिस आएगी, उसके बाद में फिर पुलिस पकड़ने आएगी, तो इनको लगा कि वापस हमें मारने के लिए आ रहे, वापस पत्थर फेंक दिए, वापस तीर चला दिए। मैं बीच में छुट्टी पे था उस टाइम पे, मेरे ख्याल से वो पेपर न्यूज़पेपर में आया कि आर्मी आने वाली है। और मैंने उनको ये भी कहा कि इन लोगों में ना अफवाह बहुत तेजी से फैलती है। मेरे को 2.5 साल हो गया यहाँ पे, मैं जलगांव का रहने वाला हूँ, जलगांव सबको पता है ना, हाँ मैं जलगांव का रहने वाला हूँ, छोटा सा बच्चा था तब से वहीं पे रहता हूँ, सब लोगों से यही, मेरे घर के आसपास में भी काफी भील भी लोग है। राजस्थानी फैलाएंगे, तीर कमान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे, सब लोग शांति से रहो, सारी चीजें, आप लोग इसी देश के नागरिक हो, इसी मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, गांव तुम्हारा है, डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा है, ठीक है, सारी सुख सुविधाएं जो एक सामान्य नागरिक को मिलती है वो पूरी की पूरी मिलेगी और उसके अंदर कहीं पे भी कोई भी तुम लोगों को दिक्कत पैदा नहीं करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है और मुझे अब पूरा विश्वास है आप लोग। भाई 2 मिनट के लिए रुक जाओ, आप लोगों से भी बात करने आएंगे, मैं आया हूँ इसीलिए क्योंकि तुमसे बात करनी है मुझे। मुझे मतलब मैं उस तरीके का व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे चेंबर में एसी रूम में बैठ के जो है वो यहाँ पे बोलूँ कि साहब इनको तो पकड़ो धकड़ो उठाओ पटको, ये सब नहीं है, तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो जमीन जब झगड़ा ही हमारा इस चीज का है कि ये जमीन हमारी है, हमें रहना यहाँ पे है, जब तुमको रहना यहाँ पे है तो तुम काहे के लिए भाई इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। मेरी टीमें 30-30, 25-25 बार तुम्हारे पास में आई बात करने के लिए, दसियों बार तुमको समझाया कि यार ये सब चीजें छोड़ दो, मेरे को बस आज एक ही चीज चाहिए तुमसे।